दसवें सप्ताह तक आपका शिशु मुश्किल से एक हरे जैतून के बराबर होगा। अब वह भ्रूण के रूप में विकसित होता जाएगा। चेहरा मोहरा आकार लेने लगा है, मसूड़ों में उभार बनने लगे हैं। आने वाले हफ्तों में उसके ऊतक तथा विभिन्न अंग तेजी से विकसित और परिपक्व होंगे। जुड़े हुए पंजों से उंगलियां अलग होने लगी हैं, हाथ पैर के नाखून और रेखाएं बनने लगी हैं। आपका शिशु अब अपनी मुट्ठियां और पैरों की उंगलियां खोल बंद करने लगा है। मांसपेशियों और सहज प्रतिक्रिया के विकसित होने से अब वो हाथ पैर हिलाकर काफी उधम मचाने लगा है। अगर ये आपका पहला बच्चा हो तो शायद आप 18वें या 20वें सप्ताह के बाद ही शिशु की कुछ हरकत अनुभव करें। पारभासी त्वचा से उसके मुख्य अवयवों, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क, स्नायु तंत्र, अंतड़ियों तथा यकृत को भी काम करते देखा जा सकता है। पीतक झिल्ली लुप्त होती जा रही है और उसका स्थान लाल रक्त कण ले रहे हैं। गर्भनाल की जिम्मेदारी बढ़ चली है। उसकी एक नस आपके शिशु को प्राण वायु तथा पोषण सभर रक्त की पूर्ति करती है। दो धमनियां उस रक्त को बाहर निकालती हैं। 12वें सप्ताह तक गुर्दे मूत्र उत्पन्न करने लगेंगे, जिसे आपका शिशु एमनियोटिक द्रव में छोड़ता रहेगा। फिर इसी द्रव को वो निगल लेगा और पुनः मूत्र त्याग करके निकाल देगा और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। 14वें सप्ताह तक शिशु की आंखें और कान सही स्थान पर सक्रिय हो जाते हैं और वो आंखें मिचकाने, भवें सिकोड़ने और मुंह बिचकाने लगता है। अब आपकी दूसरी तिमाही शुरू होने जा रही है, जो कि कई महिलाओं के अनुसार बड़ा आनंददायी समय होता है।